फर्जी ज्ञान मौत का सम्मान, यानी लोन से रिलेटेड अगर आप फर्जी ज्ञान पे आपत्त कर रहे हैं तो आप अपना मृत्यु शैया की तरफ पहुंच रहे हैं, जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के बारे में, कुछ झोला छाप यूट्यूबर है जिनको बेरी की दुकान का नहीं पता कहां है, लोग क्या कर रहे हैं वहां पे देख के हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर वो ये कह रहे हैं कि अपना ECS को स्टॉप करवा दो। साथियों, अगर आपने किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से लोन लिया है तो आपने एक ECS मैंडेट के पे साइन किए हैं। आजकल नेच चल गया है, नेच पे साइन किए होंगे। मतलब 2000 से पहले क्या होता था, लोन तो सन 2000 से पहले भी लोग लेते थे, जमाना ऑनलाइन नहीं था। 24 किस्तें अगर आपको करवानी थी तो आप 24 चेक दे देते थे, 12 करवानी थी तो 12 चेक दे देते थे। NBFC कंपनियों का तो उससे पहले जन्म ही नहीं हुआ था, बैंकिंग ही हो रही थी हमारे देश में। तो वो बैंक क्या करता था, अगर आपका अदर बैंक में भी अकाउंट है वहां से पैसे आपके निकाल लेता था, या उसी बैंक में भी अकाउंट है तो वो भी फिर चेक से आपके पैसे उतने EMI डिडक्ट हो जाते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, इसका ECS का जन्म हो गया, क्योंकि ऑनलाइन से पैसा इजिली निकलने लग गया तो चेक की जरूरत नहीं रही। अब आप 20 साल का लोन भी चाहे लेंगे तो आपको 20 चेक या 240 चेक देने की जरूरत नहीं है, ECS मैंडेट या नेच पे आप साइन कर देंगे तो उस बैंक या NBFC कंपनी के पास अथॉरिटी आ जाएगी कि वो आपका पैसा निकाल ले। अब सवाल यह आता है कि जब उनके पास पावर आ गई तो वो हर महीने आपके पैसे, क्योंकि EMI मंथली होती है, ज्यादातर लगभग सभी बैंक और NBFC कंपनी मंथली लेते हैं, अगर इनको ऐप वालों को छोड़ दे जो कि 99% फेक है, जो कि एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए लोन देते हैं, उस पर मैंने RD वीडियो बना रखी है, फेक ऐप डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें अगर कोई ऐप वाला आपको तंग कर रहा है। तो ये झोला छाप यूट्यूबर क्या ज्ञान पेल रहे हैं, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले बता दिया था, भाई किसी समझदार को दुश्मन बना लो चाहे, लेकिन किसी मूर्ख को अपना दोस्त ना बनाओ। यह कह रहे हैं कि ECS को स्टॉप कर दो या नेच को ही अपने स्टॉप कर दो। अगर आपने ECS या नेच को स्टॉप कर दिया तो आपके ऊपर 406 भी लग सकती है, अमानत में ख्यानत भी लग सकती है, 420 भी बैंक आपके ऊपर रजिस्टर्ड करवा सकता है, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि आपने खुद से तो बैंक या NBFC कंपनी को ऑथराइड किया कि वो आपका पैसा वहां से निकाल ले, और अब आप जानबूझ के अपने बैंक को आदेश दे रहे हैं कि इस बैंक या NBFC कंपनी को मेरा पैसा ना दिया जाए। तो ये बैंक या NBFC कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ जाएंगे, लिखित दस्तावेज आ जाएंगे। कैसे? जब वो आपके बैंक में ECS लगाएगा, वो बाउंस होएगा, तो बैंक आपका जो है वो उस बैंक या NBFC कंपनी को कारण बताएगा कि भाई किस कारण से वो पैसा नहीं दे रहा है, अनसफिशियंट बैलेंस है या साइन मिसमैच है या आपने उसको स्टॉप कर दिया, वो उसको रिटर्न में देगा। अब जब उसके पास ये बात रिटर्न में आ जाएगी तो वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, इसमें जेल का भी प्रावधान है। ऐसी गलती ना करें, इन मूर्खों की बकाई में ना आए। हां, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप उसको स्टॉप ना करें, ECS या नेच को किसी भी बैंक या NBFC कंपनी को आपने दे रखा, क्योंकि ECS या नेच को स्टॉप करवाना क्राइम की श्रेणी में है। वैसे आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, रखा आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 EMI भी डिफॉल्ट होगी, वो क्राइम की श्रेणी में नहीं है। लेकिन ECS या नेच को स्टॉप करवाना क्राइम की श्रेणी में है। क्या कारण है क्राइम की श्रेणी में है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ECS या नेच वो लगाएंगे वो बैंक NBFC कंपनी वाले, तो आपका बैंक उनको बता देगा भाई अनसफिशियंट बैलेंस है। अनसफिशियंट बैलेंस होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है भाई, जब बंदे में पैसा ही नहीं है तो देगा कहां से, वो ज्यादा से ज्यादा आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा, जाते रहने दे, उसको स्टॉप ना करवाएं। अगर आप उसको स्टॉप करवा रहे हैं तो आपका
पता लग रहा है कि इसकी इंटेंशन ही रॉन्ग है, इसकी नियत ही खराब है, जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है, जा रहा है। तो और नहीं तो इसके अलावा अगर आपकी ईसीएस बाउंस हो रहा है तो बैंक ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर 138 का केस नहीं लगा सकती, जैसे 54 छाप लोगों के पास भेजते हैं। 138 चेक बाउंस का केस जो है इसके फुल फॉर्म है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 में ब्रिटिश काल में कानून बना था जो कि आज भी लागू है। चेक बाउंस पे केस लगता है, इसको शॉर्ट में एनआईए एक्ट भी बोलते हैं। लेकिन ये ईसीएस या नेच का बाउंस होने पे कभी भी 138 का चेक बाउंस का केस नहीं लग सकता। उसमें क्या लगा सकते हैं? सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, 2007 में ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट बना, सेक्शन 25 बना, धारा 25 बनी, इसके अकॉर्डिंग ये आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, वो भी चेक बाउंस की तरह ही है लगभग। आप चेक बाउंस डिसेंटेड वाली के वीडियो देख लें, आपको सारा पता लग जाएगा। अगर आपका चेक बाउंस हो गया या ईसीएस बाउंस हो गया, इसको हल्के में ना लें। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं और कोर्ट का नोटिस आ रहा है, आप दोबारा 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 उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको इसमें कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा सकता है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, नॉन अवेलेबल वारंट आपके इश्यू किए जा सकते हैं गैर जमानती। और 14 दिन की न्यायिक हिरासत का मतलब यह है कि 14 दिन के लिए मान्य जज साहब के द्वारा आपको जेल में भेजा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी डायरेक्ट आपको जेल में नहीं भेज सकता, ना ही किसी भी थाने पुलिस स्टेशन चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉज हो सकती है, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में। लेकिन अगर ये काम करेंगे तो 100% बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पावर हो जाएगी कि वो आपकी एफआईआर दर्ज करवा दे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड समस्या अगर आ रही है, तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंटेड वाई लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, या नेक्स्ट मंथ 5 जून को संडे के दिन एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है हमारे द्वारा, आप हमारे सेमिनार को अगर अटेंड करना चाहते हैं कुंडली क्लब TDI में अगले महीने 5 जून इतवार के दिन, अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं या हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।